ये दोस्तों वेलकम करता हूँ रैनोमेट्रिक प्लाजम पे। तो आज के वीडियो में हम लोग ये बाली बनाना सीखेंगे। तो ये नॉर्मल एक बाली है, सिंपल बाली है। चलो शुरू करते हैं। तो जो इस चैनल पे नए हो सबको वेलकम करता हूँ, जो पुराना हो सबको वेलकम करता हूँ। बंगाली हो, नॉन बंगाली हो, इंडिया के बाहर है, तो सबको मेरे तरफ से शुभकामनाएं, वेलकम करता हूँ हमारे चैनल पर। इस चैनल को देख के बहुत आउट ऑफ इंडिया, इंडिया के बाहर अंदर सब लोग बहुत सीखते हैं, ये मुझे अच्छा लगता है जान के। तो इसके लिए मैं ये हर वीडियो बने बनाए वीडियो आप लोगों को दे लिए दे रहा हूँ कि देख देख के आप लोग प्रैक्टिस करो और घर पे बैठ के सीखो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। इसका लेंथ है 22 इंच तक लिया इसमें, और इसमें फ्रंट में भी है। बैंक के 20 रुपये थोड़े जाएंगे का काल के रिच, काल के रिच सर। ठीक है, चलो सुनते हो अच्छा। तो बोल अब इसको क्या करना है देख लीजिएगा। इसको आपको करना है 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 तक उसका हाँ ए है। तो इसके लिए आपको बनाना पड़ेगा 14। इसको रिवर्ट करके 14 लेना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7
एक चीज़ का कैलकुलेशन करना है, स्टोन का कैलकुलेशन। अभी इसको मैं अपने एक्ट्रेस में लेके जा रहा हूँ, स्टोन बिजने को कंट्रोल सी किया कौन जी, और यहाँ पे एक्ट्रेस को ओपन कर इसमें पेस्ट कर। सब आपको पता होगा, अगर पता नहीं है तो नया वीडियो आई थी बड़ा नहीं है तो मेरा बंद हो गया। ये फ्लो है ना, और भी बैंड देना पड़ेगा, बैंड कम हो गया, ठीक है इसमें फिर बैंड हो जाएगा। चलो अब ये तो Yeah.
जब जिम में जाते हैं ना जिम रिपोर्ट हिस्ट्री करेंगे तो 24 केकेएम का 24 आया, ठीक है। अब केकेएम का 24 आया, केकेएम का अभी कितना चाहिए, 36 चाहिए ना, तो आपका नाम का पूरा कैलकुलेशन करना पड़ेगा ये सब चीज़ें। वन पॉइंट वन का कितना 24, इसका वेट कितना आएगा फिर, वन पॉइंट वन का 24 मतलब वन पॉइंट वन का 24 48 48। दोस्त किसी दोस्त ने बोल रहा था कि डायमंड कैलकुलेशन के बारे में दिखाइए, तो मैं डायमंड कैलकुलेशन में अगर वीडियो चाहते हो तो कमेंट पे लिखिए फिर, हाँ दादा डायमंड कैलकुलेशन के ऊपर वीडियो चाहिए, तो मैं उसके हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 1.1 का स्टोन 48, तो 33 सेंट आ गया, मतलब 30 सेंट के अंदर आ गया, ठीक है। अभी ये मेरा स्टोन का कैलकुलेशन निकल गया, अभी मैं इसको क्या करूँगा, फ्रॉन्ग भी बिठा सकता हूँ इसके ऊपर, फ्रॉन्ग भी बिठा लेता हूँ इसको, ठीक है। फ्रॉन्ग फ्लिप फ्लिप 0.25.6 लीड 68.0 0.55 का यहाँ पे डाल रहा हूँ, 0.5 का यहाँ पे, 0.5 का यहाँ पे, 0.5 का डाल रहा हूँ, 200। इसमें थोड़ा चेंजेस है काम में, क्योंकि ये वाला जो मिडिल पार्ट बना ना, तो उसमें थोड़ा क्लिप क्लिप मार के देना पड़ेगा, क्योंकि कोना ही कॉर्नर नहीं चलता है काम पे, किसी काम पे कॉर्नर नहीं चलता है, किसी काम में चलता है, वो चीज़ आप लोगों को देखना जरूरी है। दोस्तों मैट्रिक्स अगर रहेगा आप लोगों के पास तो मैट्रिक्स का इस्तेमाल कर लीजिए, अगर मैट्रिक्स नहीं है तो रैनो में बिठाना ज़रूरी है, तो मैं रैनो में नहीं बिठा रहा हूँ क्योंकि मेरे पास मैट्रिक्स है, तो मैं मैट्रिक्स का
उपयोग करके मैं ये सब चीज़ करके ले रहा हूँ। अगर नहीं रहता तो उसका बंदोबस्त करना पड़ता है। ठीक है, अब ये वाला मैं इसको कॉपी किया, यहाँ से मैं रहने में गया, इसमें जाके मैं कॉपी कॉन्फिग भी किया। फिर इसका यहाँ पे देखिए ये आ गया, अभी यहाँ पे ये आ गया। अभी एक चीज़ करना है, क्या करना है कि इसको एक चीज़ यहाँ पे देखिए कि एक चीज़ है यहाँ पे हर जगह पे, यहाँ पे कोना ही दिख रहा है थोड़ा सा, बाकी कोना ही नहीं है। और यहाँ पे अंदर से टोटली खाली किया हुआ है, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा कैसे हो रहा है। इसको मैं हाइड कर रहा हूँ, कैसे हो रहा है इसके लिए तो सबसे पहले काम है एक्सप्लोर करना। क्यों मालूम है एक्सप्लोर क्योंकि एक्सप्लोर क्योंकि ये बाजू मुझे यहाँ पे ना थोड़ा ज्वाइंट का बंदोबस्त करना पड़ा, तो ये यहाँ से मैं क्या किया इसको थोड़ा मैं बढ़ा के लिया। जैसे देखेंगे तो यहाँ पे देखिए थोड़ा जाड़ा है, उसके लिए मुझे वो बंदोबस्त मुझे करना पड़ेगा, बंदोबस्त करके लेना पड़ेगा। इसको भी थोड़ा जाड़ा है तो ले लीजिए, इसको भी थोड़ा कितना रहेगा 2 mm तक रहेंगे तो चल जाएगा, क्योंकि 5 सेकेंड तक लग ही जाएगा ना तो लग जाएगा। थोड़ा ज़्यादा हो गया, अब इसको फिर मैं मेडल करूँगा। मेडल करने के बाद पहले और इसको मैं बढ़ा लेता हूँ 0.3, क्यों बढ़ा के लेता हूँ तो देखिए ये वजह से ना यहाँ पे स्ट्रेट कटिंग होता है, स्ट्रेट तो ये स्ट्रेट कटिंग होगा तो कैसा रहेगा, तो इसके लिए मैं इसको रोटेट करेंगे, थोड़ा सा रोटेट करेंगे तो नहीं है, इसको थोड़ा रोटेट कीजिए, डुप्लीकेट एज लाइन जॉइन तो अभी इसको क्या करने का क्या है वो भी देखना जरूरी है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा फोन पे गया लाइन लिया यहाँ पे तो मैं ये होल्ड कर दूँगा। ठीक है, कैसे होल्ड होगा थोड़ा यहाँ पे और एक चीज़ नहीं है कि थोड़ा ज़्यादा ये वाली चीज़ है इसको भी चेंज करना है, तो अच्छा नहीं लग रहा ये वाली अंदर का बाहर गया ना तो अच्छा नहीं लग रहा, इसको अंदर लेना, इसको भी थोड़ा आगे वाली लेना, देखने में अच्छा हो पूरा वो भी देखना पड़ता है ना। अभी ये वाली कैसा लग रहा है, अभी अच्छा लग रहा है ना, देखिए कैसा बात है।
फोन पे जा रहा हूँ, फोन पे जाके उसको मैं सर्कल लिया, सर्कल लिया, ठीक है, सर्कल लिया, सर्कल लेके मैं उसको क्या करूँगा, उसको मैं काट करूँगा, इसको मैं काट करूँगा कैसे, एक्सप्लोर, इसको नहीं चाहिए, गोल्डन स्प्लिट हो गया, अब ये तीनों पार्ट होगा, एक दो तीन, ओके। तो इसका लेंथ मैं माप के ले रहा हूँ, कितना होगा ये 1.76 होगा ना, तो थोड़ा और भी मतलब कम हो गया, 1.2 तक होता तो ठीक है, हाई 6 करके आएगा, 6 करके आएगा तो हो जाएगा, और एक बार थोड़ा इसको ले लेता हूँ, एक एक चीज आपको देखना जरूरी है, राइट, इसको भी देख लीजिए कितना है, 1.9 तक आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि कि कितना रहता है, आधा 0.7 करके रखेंगे तो 7 × 3 कितना होता है 21 ना, 2.1 मतलब 2.1 तक रखेंगे तो, नहीं तो पतला हो जाएगा तो टूट जाएगा ना, अगर टूट गया तो क्या होगा, तो इसको एक्सप्लोर किया, कटिंग कर दिया, उसको लेंथ माप लिया, 1.9 हुआ, 1.9 का तीन भाग हुआ, तो कैलकुलेशन अभी करने का, 1.9 डिवाइडेड 3 कितना 0.63, तो इसको क्या करने का, 0.63 और इसका कितना रहेगा 0.63 इसको वुडन स्प्लिट काट दिया, इसको भी इसके साथ ज्वाइन किया, पैच किया, और वुडन स्प्लिट के तीन पार्ट हो गए, ठीक है, तीन पार्ट हो गए, अभी मुझे क्या करना है, यहाँ पे देखो इसका सेंटर लेने वाला हूँ, यहाँ पे देखो सेंटर लिया, सेंटर क्लिक करके मैं इसको सेंटर ले लिया, हुआ, अब इसको मैं बोथ साइड लाइन ले रहा हूँ, बोथ साइड पॉइंट से, ठीक है, और इसको पाइप कितना रहेगा 0.75 तक रख सकते, 0.8 भी रख सकते, 0.75 तक रखा, तो इसको अभी क्या करने का, इसको वुडन डिस्टेंस कर दिया, होल कर दिया, अब इसके ऊपर के साथ दो रहेगा और ये नीचे के साथ रहेगा, ठीक है, ये ज्वाइन होगा, कैसे ज्वाइन होगा, ये बाली का ज्वाइंट भी दोस्त हो रहे हैं, आप लोग अगर बाली सीखना चाहते हो तो इसमें से बाली का ज्वाइंट पॉइंट सब आप सीख जाओगे, ओके, ये ऑटोमेटिक खुले ना, ऑटोमेटिक बंद होगा और इसमें कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, इसमें सपोर्ट करना जरूरी है, सपोर्ट बाद में रेगुलेटर डाल के कर दें, हो गया, हाँ अगर पता चल रहा ना, इसको मैं अभी इसको बढ़ाऊंगा, ठीक है, एक दो, और एक चीज़ है, इसको क्या करने का, इसको ना 0.5 इसको 0.5 इसको क्या करना, और भी थोड़ा कम ले रहा हूँ, 0.4 ले रहा हूँ, इसको 0.4 इसको भी
क्या करूँगा इसको, डायरेक्ट लॉक कर लेता हूँ, लॉक करके नहीं होना है तो क्या करूँगा मैं, इसको स्वीप भी मार दूँगा, ठीक है, स्वीप भी हुआ, इसको थोड़ा सा स्केल मारूँगा, क्यों मारूँगा, थोड़ा बाहर निकल देता हूँ इसको, थोड़ा अभी अंदर साइड मारूँगा इसको, इजी गैलरी करने में सॉलिड, और कितना भैया यहाँ पे कितना है 1.8 है, तो यहाँ पे कितना रखूँगा, 1 mm छोड़ दूँगा तो 0.8 होना चाहिए, तो 0.8 रखूँगा तो कितना होना है, 0.8 0.9 मान देता हूँ, 0.9 0.9 या तो फिर 1 mm, इसको क्या करने का, इसको बुलेन डिफरेंस कर कलर ही हो गए 0.9 और 0.9 और मीन पर कितना रहा 6.9 और 9 को ना 9 9 8 0.9 है तो हो जाएगा, ठीक है, ये बाजू अगर यहाँ पे सॉलिड डाल दिया, यहाँ पे भी चलेगा, यहाँ पे भी है, इसको कितना डालता हूँ 0.4 0.4, इसको भी थोड़ा दरवाजा आवाज कर रहा है, मेरे बारिश आ रही है, दरवाजा आवाज कर रहा है, बंद कर दिया, ये भी आवाज हो गई,
ज्वेलरी है कहाँ पे है? ये ऑलरेडी होल्ड किया हुआ है, ठीक है, तो वहाँ पे होल्ड करना है। कैसे होल्ड करोगे अभी इसको? इसको यहाँ पर ले लो बीच में हुआ, अभी इसको कॉपी करके ये वाला साथ पे लिया, साथ पेस लिया, ठीक है, इसको स्क्रूज किया, वो वाला टिकट में हो दिया, ठीक है, ये भी साथ में ले लो, दो मिला है तो यहाँ पे मुझे सिर्फ सेंटर करना है, सेंटर में दिया तो, और एक चीज़ देखना है यहाँ पे, ये वाला भी आपको एड्रेस करना है, ये वाला भी आपको एड्रेस करना है, साफ सुथरा करने के लिए सब करना पड़ता है, काट के सब साफ सुथरा आपको देना पड़ेगा। इसको हाइड किया, इसको क्या करूँगा, ऑप्शन में पॉइंट टू सॉलिड नीचे पॉइंट इसको वन डी बनाना, ठीक है, इसको क्या करूँगा गोल्डन डिफरेंस गोल्डन, और इसको क्या करूँगा क्या करना पड़ेगा बोला मैंने यहाँ पे इसको थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, ये बाजू ना थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, तो इधर बाहर हाँ बाहर निकालना चाहिए, तो इसको मैं क्या करूँगा ग्रुप खोल के एक्सप्लोर कर लिया, तो इसको भी क्या करूँगा मैं देखो यहाँ पे निकल निकल रहा है ना, इसको राइट से ऐसे निकल के बाहर करना थोड़ा, ओके, ये इसके साथ एडजस्ट हो गया, ये थोड़ा बहुत मैनुअली करना पड़ता है, ये थोड़ा ज़्यादा हुआ, इसको जरूरत है तो इसको भी थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं,
शिफ्ट कर रहा हूँ, पता चल गया ना, तो वो जो बाहर निकल जा रहा है। वाला को थोड़ा स्केल मारना, थोड़ा स्केल स्केल भी नहीं मारूंगा तो नहीं मारूंगा, इसको बंद कर रहा हूँ। इसको भी काटते निकलता है, ठीक है, और ये भी वहाँ से निकलता है, थोड़ा इसको लाइन में अभी जो एक चीज़ है उसको अगर फ्लिप मारने गए तो देखो कैसा फ्लिप मारा हुआ है, फ्लिप मारा है ना हर जगह पे, तो क्या करने का इसको सूची कर,
कुमार में यहाँ पे क्या था कटिंग है, इसके लिए पॉइंट थ्री नहीं लगा, दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो, अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, दूसरे को मदद के लिए हेल्प कर दीजिए, नया वीडियो देखने के लिए कमेंट पे लिखिए, इस चैनल को विजिट करने के लिए हम लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बाय, गुड नाइट।